पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के करीब एक दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान वे सवाई माधेपुर पुलिया से ट्रैक्टर चलाकर करीब 400 मीटर दूर जगदीश नगर स्थित कांग्रेस नेता दिनेश चौरसिया के पेट्रोल पंप तक पहुंचे। लोगों ने करीब 12 जेसीबी पर चढ़कर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसी बीच पत्रकारों से बातचीत में पायलट ने कहा कि सत्ता की चाबी किसी नेता के पास नहीं, जनता के पास होती है। जनता जिसे चाहेगी उसे सत्ता मिलेगी। उन्होंने कहा, राहुल जी कहते हैं युवाओं को मौका दिया जाएगा, मैं तो युवाओं को मौका देने का पक्षधार हूं, लेकिन मैं पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं। जीतने वाले युवा को मौका मिलेगा, इस पर पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। ईडी का एक्शन होना, ये बहुत ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का? लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले। और विशेष रूप से अपराधियों के, मतलब विरोधियों के ऊपर, जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पे कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक, मुझे लगता है, पब्लिक से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन पब्लिक जो मतदाता है सब बातों को समझता है, और मुझे लग रहा है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी इस देश की। एक आपके भाषणों में एक चीज आ रही है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अयोध्या पाकिस्तान जैसी बातें जो हो रही है, क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत की दो सरकारें बनाकर दी, 14 में और 19 में। अब इन 9.5 सालों में जो उनकी रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा करने का, मैं समझता हूँ, उनके नेता नहीं चाहते हैं। वो हमेशा विवादित मुद्दों को ही प्रासंगिक रखना चाहते हैं। ये एक पुरानी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, डिस्कशन हो, जैसे हमारे कांग्रेस के नेता, हम सब लोग, या हमारी एनडीए अलायंस के लोग बोलते हैं कि आप बेरोजगारी पर, पत्रकारों की स्वतंत्रता के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, महंगाई के ऊपर, निवेश के ऊपर, इन पर चर्चा करो और बताओ कि इस देश में खाई क्यों बढ़ गई है अमीर गरीब की, और इतने लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, किसानों की कुड़की हो जाती है, इन पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो जो भावनात्मक मुद्दे हैं या विवादित मुद्दे हैं उनको हवा देकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की शुरू से कोशिश बीजेपी की रही है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। इसलिए जो परिणाम आपने देखे कर्नाटक में, हिमाचल में, वो कांग्रेस के पक्ष में आए थे, और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है इस पर भी मुझे लगता है जनता हमको अपनी मोहर लगाएगी और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएगी। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पहले अपना विरोध जता चुकी है, दिल्ली के अंदर सशक्त विरोध जताएगा, क्या इस तरह का फिर कोई विरोध जैसी कोई बात? देखो, हम लोग तो जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, और अगर सरकारी एजेंसीज इस प्रकार की कार्रवाई करती हैं जो पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित हैं, तो उस पर हम लोग उसका पूरा विरोध भी करते रहेंगे। पहले भी किया है हम लोगों ने, और मुझे लग रहा है कि इस देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो तमाम कार्रवाई है ये सिर्फ विरोधी नेताओं के ऊपर ही क्यों होती है, और इसमें कोई तेरा मेरा नहीं है। इसमें तो पूरे देश में जहां जहां लोग जो केंद्र सरकार के विरोध में बोलते हैं उसका विरोध, उसका उस पर दबाव डालने की एक कोशिश केंद्र सरकार करती है। चुनाव आते आते जो है मुआवजों पर भी विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं, जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है कल, उसे किस नजर से देखते हैं, किस तरह के जो है मॉब लिंचिंग जैसे कानून जो है? मुझे लगता है कि जो भी कानून है, जो भी पॉलिसीज हैं, वो एक जैसी होनी चाहिए, कोई पक्षपाती भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो चुनाव का मुद्दा है, चाहे राजस्थान है चाहे बाकी जगह है, वहाँ किसान, नौजवान, महंगाई, बेरोजगारी, आगे की संभावनाएं, भविष्य की नौजवानों के लिए हम क्या तैयार कर सकते हैं उस पर करना चाहिए, एक विजन रोड मैप होना चाहिए। उसके अभाव में मैं समझता हूँ कि जो चर्चा और डिबेट्स हैं वो बहुत ज्यादा सार्थक नहीं है, और जो पब्लिक इश्यूज हैं उस पर ही चुनाव लड़े जाने चाहिए। कल नड्डा जी जयपुर में थे, उन्होंने कहा कि गहलोत साहब का समय आप पे निगाह रखने में ज्यादा बीता है। क्या कह रहे हैं? जेपी नड्डा जी ने कल कहा कि गहलोत साहब का समय सरकार चलाने से ज्यादा आप पे निगाह रखने में बीता है। अब तो निगाह मेरे को लगता है कि बीजेपी को रखनी चाहिए वसुंधरा जी के ऊपर, कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। आपस में इतना खिंचाव है, टिकटों में जो झगड़े चल रहे हैं,
और अपने आप को एक पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली बीजेपी, वहां पे क्या हाल हो रहे हैं आप सब जानते हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि टिकट किसी को भी दें लेकिन जनता देखेगी संगठन क्या है, विचारधारा क्या है, नेता कौन है और किस दिशा में प्रदेश को जाना चाहते हैं। उस संदर्भ में कांग्रेस हर बार बीजेपी को हरा सकती है। विदुड़ी आज आ रहे हैं, कितना चमत्कार कर पाएंगे। माइक वाइक चालू मत। पायलट ने टोंग में करीब एक दर्जन गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और आश्वस्त किया कि उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।